लाल की जय, कार की जय। आपसे तो हमारे सम्मान तो राजा सत्यव्रत तर्पण कर रहे थे पुत्रों, करते करते अंजलि में आवी एक मछली। मछली ने मनुष्य रूप में कहा इस अथाह जल में बहुत सारे मेरे शत्रु हैं, आपको पता ही बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, राजा ने मेरे को कोई खा जाएगा मुझे भी सुरक्षित मिलेगा। राजा को दया नहीं, उन्होंने अपने कमंडल में डाल दिया। पल भर के बाद एक कमंडल में वो नहीं आए, उन्होंने एक बड़ी बाल्टी मंगाई उसमें डाल दिया, उसमें भी नहीं आया, बड़ा टप मंगाया उसमें डाला, थोड़ी देर बाद आकार इतना बड़ा टप में भी नहीं आया, बड़े कासार में डाला, कासार कुआं को कहते हैं, उसमें भी नहीं आया, तालाब में डाला उसमें भी नहीं आया। फिर उन्होंने प्रयास करके उसको समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन कहा कि आप साधारण मछली तो नहीं हो सकते जो इतने समय में इतना बड़ा आकार बनाया, सत्य बताइए महाराज आपको। भगवान ने कहा मैं मत्स्य अवतार धारण किया है, 7 दिन बाद महाप्रलय हो जाएगी, सारी दुनिया जल में डूब जाएगी, तो मैं सावधान करने आया हूं, संसार की सारी ओखलियां समेट करके तैयार रहना, एक नाव आएगी उस पर सब ऋषि बैठे होंगे, सारी ओखलियां लेकर के आप उस नाव में सवार हो जाना और मेरे सींग से नाव को बांध तुम प्रश्न करना मैं उत्तर दूंगा, उसी का नाम मत्स्य पुराण। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। मन्मंतराणि सर्वाणि त्रिप्तानि सुतानि मे वीरण्यमनन्त वीरस्य हरे तत्र कृतानि च। राजा परीक्षित कह रहे महाराज तुमने मन्मंत्र की कथा सुनाई, बहुत सारी कथा सुनाई मैंने सुनी, अब आगे भगवान के अवतार की कथा श्रवण कराइए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, श्रूयता मानवो वंश प्राचुर्णेन परंतपः न सत्ये विस्तरो वक्तो वर्ष सतैरपि। मैं मनु महाराज के वंश का विस्तार बताता हूं, राजन सुनिए, मैं विस्तार से तो नहीं कह सकता क्योंकि 100 साल तक भी वर्णन करें तो भी मनु के वंश का विस्तार सुनाया नहीं जा सकता। मनु महाराज के 10 पुत्र हुए, बड़े थे इच्छांकु, उनसे छोटे नरसित, सर्याति, सर्यासी ने दृष्ट, दृष्ट करुष और नरसंत, प्रसव नवक और 10वें कवि थे। पहले मनु महाराज जो है निय संतान थे, संतान नहीं थे, उन्होंने एक यज्ञ कराया, यज्ञ में वशिष्ठ जी को अपना रोहित बनाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन उनकी पत्नी इला आदित्यों से जाकर के कहती है महाराज मुझे तो बेटी चाहिए, यज्ञ तो हो रहा था पुत्र के लिए, लेकिन इला ने उनको कह दिया हमें पुत्री चाहिए। तो मंत्रों का ऐसा ही उच्चारण किया गया इसलिए कन्या हो गई, मनु महाराज खुश नहीं हुए। वशिष्ठ जी से कहा महाराज तुम्हारे मंत्रों में मुझे कोई शक नहीं है, क्रिया में भी कोई शक नहीं है, लेकिन मांगा था बेटा, बेटी कैसे हो गई। जब उन्होंने ध्यान धर के देखा तो कहा यह तो कृत्य तुम्हारी रानी का है, उन्होंने हमारे रित्यों को समझा लिया। फिर महाराज मुझे तो बेटा चाहिए, बृहस्पति जी ने अपने भर के मन पर उनको जो है पुत्र बना दिया और नाम हुआ सुदंग। लेकिन ऐसे जंगल में एक दिन प्रवेश कर गया कि वो फिर लड़की बन गया, यहां मैया पार्वती का साथ लगा था कि इस जंगल में इस वन में कोई आएगा तो पुरुष से स्त्री बन जाएगा और उसी को चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने देख लिया और उसके गर्भ से सर्याति का जन्म हुआ। सर्याति
एक पुत्री है जिसका नाम है सुकन्या। बड़ी विचित्र कथा, मेरे भारत की बेटियां ऐसी हुआ करती थी। ध्यान से सुनिए, एक बार भगवान के बिहारी महाराज सजाती अपने बहुत सारे योद्धाओं को साथ लेकर के वन विहार करने के लिए परिवार सारा लेकर के गए। एक बामी से तेज निकल रहा था, सुकन्या को कुछ पता नहीं, उसने उसाके दो डक्के लिए और उसमें डाल दिए और उसमें से खून निकला और खून निकलने के बाद सब अंधे हो गए। राजा ने कहा यहां कोई ना कोई अपराध मुझसे हुआ। बेटी ने कहा अपराध तो मुझसे हुआ है पिताजी, मैंने एक बामी में कुसा डाल दी और वहां से खून निकला। वहां पर पहुंचे तो देखा चमन ऋषि थे। चमन ऋषि से माफी मांगी। चमन ऋषि ने कहा भाई मैं तो अंधा हो गया, तुम्हें माफ किया जाओ, तुम्हारे नेत्र की ज्योति आ जाए। उनके नेत्र की ज्योति आ गई। सुकन्या कहने लगी पिताजी मेरे कारण ये ऋषि अंधे हो गए और आप मेरा कन्यादान इनके साथ कर जाओ ताकि मैं जीवन भर इनकी सेवा करके इनके ऋण से पूर्ण हो जाऊं। ऐसी भारत की देवियां हुआ करती। राजा ने कहा बेटी इसकी झुर्रियां पड़ रही हैं, ये बूढ़ा है, तुम जवान हो, तुम्हारी अवस्था 16 साल की है और इन्होंने न जाने कितने युग देख लिए। चमन ऋषि कि पिताजी जो कुछ है मैंने तो संकल्प कर लिया कि जिसकी आंखें मैंने खोली है उसकी जीवन भर दासी बन करके सेवा करूंगी। राजा ब्याह करके चले गए। सुकन्या को पहले बहुत तंग किया कि परीक्षा लेने के लिए भी ये चली जाए, राजकन्या है, आज नहीं तो कल छोड़ जाएगी, मुझे बहुत तंग किया। लेकिन सुकन्या ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि सेवा करूंगी करूंगी। जब देखा कि इसका मन निश्चित है तो फिर चमन ऋषि ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमार मतलब देवताओं के वैद्य। अश्विनी कुमार आए, सारी बातें हुई, उन्होंने एक सरोवर भर दिया। सरोवर में प्रवेश किया, जो निकले तो तीनों एक जैसे। अश्विनी कुमार सुंदरता में सबसे उत्तम माने जाते हैं, तो ऐसे ही सुंदर चमन ऋषि। अब सुकन्या से कहा था कि अपना पति पहचान ले तीनों में कौन है। सुकन्या ने कहा हे परमात्मा मैं मन से वाणी से कर्म से अगर सती हूं तो मैं अपने पति को पहचान लिया। पहचान लिया, फिर बड़ी सुंदर एक विमान बनाया और विमान में बैठ करके बड़ा सुंदर विहार करने लगे। कुछ समय बाद महाराज सजाती वहां आए, सोचने लगे लड़की को ऐसी छोड़ आए कुछ दे आए, तो भर करके बहुत सारा सामान लाए। लेकिन वहां देखा तो अजबी तमाशा देखा। क्या देखा कि जो कन्या हम ब्याह के गए थे वो बैठी है किसी युवक पुरुष के पास में। तो राजा से रहा नहीं गया, राजा कहने लगा कथम मतिस्ते अवगता अन्यथाम सता कुल प्रसूते कुल दूषणे त्वदित विभर्षिदारं यदत्प्राकुलं पितुश्च भरतश्च नयस्तदत्तमः। अरे दुष्टा तूने ये क्या किया, तेरे पिता की कुल की पताका ऊंची, तेरे पति की भी कुल की पताका ऊंची, तूने ये क्या कर दिया, तूने पति को छोड़ करके किसी पराये मर्द के साथ में बैठी है। वो कहने लगी अरे पिताजी क्या बोली जा रहे हो, ये वही चमन नंदन, ये वही चमन ऋषि हैं जिनको आप मुझे सौंप के गए थे, ये सब इनके तप के कारण हुआ है। राजा ने देखा जो मैं लाया हूं वो तो उससे बढ़कर के तो इनके पास पैदल ही उपलब्ध है। उन्होंने एक यज्ञ कराया राजा से जिसमें अश्विनी कुमारों को भाग लाया, इस पर इंद्र कुपित हुआ
और इंद्र का इंद्र ने वज्र उठाया तो स्तंभन कर दिया। तब से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग मिलना शुरू हो गया। महाराज नाभाग की कथा, महाराज अम्बरीश की कथा, कथा तो बड़ी विचित्र है, सुनने लायक है। मैं नाभाग की कथा जरूर सुनाऊंगा आपको, क्योंकि आज के समय में इसकी बड़ी जरूरत है। उस कथा को जरूर करना चाहिए, तो आज समाज को जरूरत है। डॉक्टर वही इलाज करे वैद्य मरीज का जो रोग है, और जो जो रोग ही नहीं उसकी दवाई देते रहो, क्या फायदा। महाराज नाभाग, नाभाग के 10 पुत्र थे, सबसे छोटे थे नवक। नवक के जो है 10 पुत्र थे, सबसे छोटे थे नाभाग। नाभाग के भाइयों ने सारी संपत्ति पिता की बांट ली। वो तीर्थ यात्रा में अधिक रहते थे। तीर्थ यात्रा से लौट के आए तो देखा सब अलग अलग अपनी अपनी संपत्ति के साथ मस्त हैं। नाभाग ने पूछा मेरा हिस्सा कहाँ है, तो भाइयों ने कहा तेरा हिस्सा तो कोई है ही नहीं। अरे कुछ तो दे दो, पिता की संपत्ति में से कुछ नहीं है, सब बांट लिया हमने, अब हमारे डाढ़ तले आ गए, हम नहीं निकलता। अरे कुछ तो दे दो, कहा ये बूढ़ा पिता ये बैठा है, ये ले जाओ, ये भी तो संपत्ति है, ये ले जाओ। ध्यान से सुनना, आजकल के जमाने की बहुत जरूरत है। 10 पुत्रों को एक पिता पाल देता है, पढ़ा देता है, लिखा देता है, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है वो 10 पुत्र उसकी सेवा नहीं करते, सबको अपनी अपनी पड़ जाती है। आज नाभाग ने कहा पिताजी मिल गए तो सब कुछ मिल गया, सब जमीन इनकी है, रहेंगे कहाँ, चलो जंगल में रहेंगे पिताजी, कुटिया बनाई जंगल में रहने लगे, पिता की सेवा करने लगा नाभाग। एक दिन नवक सोचने लगा कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया, सेवा यही कर रहा है, इसको कुछ देना चाहिए। नवक बड़े ज्ञानी थे, उनको पता था सब कुछ। नवग ने कहा यहां से थोड़ी दूर विश्व देवा स्वर्ग जाने के लिए और बहुत सारा यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी संपत्ति है उनके पास में। और जब अंतिम श्लोक बोलते हैं यज्ञ परिपूर्ण करने के लिए, तो उनकी जबान लड़खड़ा आ जाती है और वो भावुक होकर के मंत्रों की विस्मृति हो जाती, भूल जाती। कभी कभी ऐसा होता है कोई मंत्र पूरा याद होता है लेकिन विस्मृति हो जाती है। इन बच्चों को बिठा दो। तो नाभाग पिता की आज्ञा लेकर के वहां पहुंच गए, विश्व देवा यज्ञ कर रहे, अंतिम श्लोकों में उनकी जीव लड़खड़ा गई और नाभाग ने मंत्र शुरू कर दिए। यज्ञ परिपूर्ण हो गया, उनके लिए विमान आया, वो विमान में बैठ के जब जाने लगे तो कहने लगे कि इसकी कृपा से हमें स्वर्ग मिल रहा है, इसमें अंत में मंत्र बोले तो हमको विमान आ गया। अब ये धरती की संपत्ति हमारी किस काम की, इसलिए ये सारी संपत्ति इसको दे चलते। बहुत सारी संपत्ति थी, वो उस संपत्ति को वो चले गए समेत में। इतने में काला पुरुष आए, काला पुरुष कहने लगा इस संपत्ति पर मेरा अधिकार है। महाराज नाभाग कहने लगे महाराज आपकी है तो आप ले लो, पर मेरे पिता ने बताया है विश्व देवा ये मेरे को देके गए हैं कि आप अपने पिता से ही जाके पूछो। पिता से जाके पूछा तो पिता ने कहा वो कोई और नहीं, वो भगवान शंकर है, क्योंकि बची हुई संपत्ति पर शंकर भगवान का अधिकार होता है। एक बात और नहीं बताऊंगा, मर्म की बात बताऊ। बहुत से लोग जब पंडित जी पूजा करते हैं तो पैसे छिपा के निकालते हैं, परम सत्य बात, वो सोचते हैं पंडित जी की दृष्टि नहीं पड़ रहा। और मैं कहता हूं पंडित जी की दृष्टि से वो धन शुद्ध होता है, बच रहता है तो वो अमृत समान होता है। यज्ञ से बचा हुआ धन अमृत के समान होता है। तो वो संपत्ति बची हुई नाभाग के पिता नवग ने कही कि वो शंकर भगवान की है, तू बेटा जा उनको प्रणाम कर और कहा मेरे को दर्शन दे दो, मेरे को वही बहुत है, संपत्ति आपकी आप ले लो। नाभाग गया और कहा हे प्रभु छुप करके आए, मेरे पिता ने सब कुछ बता दिया कि आप शंकर भगवान हैं, मेरे को अपना असली रूप दिखा के दर्शन दे दो, संपत्ति आप ले जाओ। मेरे पिता ने कह दिया है कि वो शंकर भगवान की संपत्ति है, वो कोई और नहीं हो सकते, भगवान शिव है।
शंकर भगवान खुश हो गए और कहने लगे, वयम नतादय प्रवामि भूमि अस्मिन् परे अस्मिन् भजीव कोशा भवन्ति कालेन भवन्ति ईदृशः सहस्रशो यत्र वयम् भ्रमामः। भगवान कहने लगे, भैया जो कुछ लेना है ले जा, तेरा ही है और ये दर्शन भी तुझे दिया, क्योंकि तेरी पितृ भक्ति देख करके ही मैं आया था, नहीं मुझे क्या आवश्यकता इस धन की। सारा धन दे दिया नाभाग के लिए, दर्शन भी दिए, आशीर्वाद भी दिया, और आज उसकी कथा शास्त्रों में अमर हो गई, उनके भाइयों की कथा अमर नहीं हुई। गुरुवां की बिहारी लाल की। इसलिए भगवत भक्ति जरूर करो, दुनिया करती है, लेकिन पितृ भक्ति भी करो, क्योंकि माता पिता की सेवा नहीं की है तो हाथ में आया हुआ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, एक न एक दिन चला जाएगा। महाराज अम्बरीश की कथा, दुर्वासा ने कृत्या छोड़ दी, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया, दुनिया में घूमे कहीं नहीं कोई कुछ मिला, तब जो है अम्बरीश ने दुख दूर किया। सूर्यवंश में महाराज प्रसन्न हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के साथ से चल करके राख हो गए। इसी कुल में अश्वमेध नाम का उनका पुत्र हुआ, आगे चल के भगीरथ गंगा जी लाए, जिन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, कल्याण किया। खड़वांग दीर्घ बाहुष रघु तस्मात् प्रदस्व अदस्ततो महाराज तस्मात् सरतो भवन। खड़वांग के पुत्र दीर्घायु हुए, दीर्घायु के पुत्र रघु हुए, रघु के महाराज प्रदस्वा हुए, उनके अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए। तो एक बार भूपति मन पुरुषोत्तम राम के अवतरण का समय। गुरु जी ने कहा एक यज्ञ करना पड़ेगा, सभी ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, भक्ति युक्त आहुति दी गई, चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए, चरु को चार भागों में बांट दिया, दो भागों में बांटा, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा भाग केकई को दे दिया, और उन दोनों ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के दो पुत्र हुए, उनके एक एक पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम संसार में प्रकट हुए। भई प्रगट कृपाला Oh,
सबसे पहले भगवान ने अयोध्या धाम धराधाम में अवतार धारण किया। आज अयोध्या धाम मुक्त है यवनों से। उसके लिए उस साधु राजा का मैं धन्यवाद करता हूं। शायद आपके भी दिल में ये बात होगी, परमात्मा ने बड़ी सुंदर चरित्र किए, सीता से नाता जोड़ा, धनुष तोड़ करके फिर वनवास हो गए, सीता का हरण हुआ, हनुमान जी से भेंट हुई, हनुमान जी स्वर्ण शरीर वाले ने स्वर्ण की लंका जलाई, जला करके मैया सीता जी को विश्वास दिलाया, लौट करके आए और भगवान को सारी बात बताई। भगवान ने चढ़ाई की पुल बांध करके, सेतु बांध करके और लंका को तहस नहस करके, रावण का वध करके, विजय सी प्राप्त करके सी समेत भगवान अयोध्या धाम में लौटे। जैसी खुशी जब मनाई थी वैसी खुशी 22 तारीख को हम आप सभी ने मनाए। बोलो अयोध्या धाम की। तो कथा तो मैंने शॉर्ट में जरूर कर ली है, लेकिन मन से चलो आप अयोध्या सब चलते हैं, फिर वृंदावन चलेंगे, ठीक है ना। पहले सरयू में स्नान करेंगे और फिर शरणा जी में डुबकी लगाएंगे। तो सीताराम जी की प्यारी आहा सीताराम जी की प्यारी रज तने ना सीताराम की रज तने ना रे।
बिना शरीर के आकाशवाणी हुई कि इस देवकी से जितना तू प्रेम कर रहा है इसी देवकी का आठवां लाल तेरा काल हो। इत्युक्त सघलं पापो भोजनां कुलपां सनः भगने हंतुमारत खड़ग पाणी कचे गृही। इतने में तो दुष्ट ने तलवार खींच ली, बाल पकड़ करके देवकी को नीचे खींच लिया, मारने को तैयार हुआ। बसदेव जी उतरे रथ से और बसदेव जी कहने लगे, श्लाघनीय गुणः सूरय भवान भोजयस्कर सैकथं भगिनी हन्या स्त्रिय बुद्ध्या पर्णवी। हे महाराज, आपने भोज वंश में जन्म लिया है। महाराज भोज बड़े ही दानी और ज्ञानी थे, आप भी उसी कुल में पैदा हुए हैं महाराज, फिर आप एक स्त्री को कैसे मार सकते हैं, वो भी आपकी बहन है। कंस कहने लगा, आपने आकाशवाणी सुनी, सुनी तो है पर आकाशवाणी झूठी भी हो सकती है। नहीं, आकाशवाणियां कभी झूठी नहीं होती, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बसदेव बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा भाई इस समय को टाल देना चाहिए किसी तरह से। इसलिए बसदेव कहने लगे, महाराज एक बात बताइए, आपका जो बैर है वो देवकी से है या देवकी के संतान से है? कि मेरा देव बैर तो देवकी की संतान से है, देवकी से तो नहीं है। तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि देवकी के जो भी संतान होगी मैं तुमको देता जाऊंगा। सत्यवादी थे महाराज बसदेव, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास। तो बात हो गई, लेकिन कंस ने कहा कि आप अपने नगर में नहीं जाएंगे, मथुरा की मेरी जो कारागार है उसी में आप रहेंगे। ये बात हो गई, रथ लौटाया गया, कारागार में डाल गया। अब भगवान के माता पिता कारागार में पड़े हैं और विष्णु भगवान यहां बैठे हैं। विष्णु भगवान से कहूंगा मैं दो वाणी कुछ कह करके, हमारी संगति को थोड़ा सा, हमारे प्रिय हैं और कथा भी भागवत की भी बहुत इनकी चैनल पर आती हैं, मेरे स्नेह के कारण मेरे साथ बैठ करके बैठ हो जाए। जो भागवत आचार्य हैं हमारे ताऊ जी की कथा में भी आकर के इन्होंने चार चांद लगाए थे, और मेरी जहां भी कथा होती है ये मेरा छोटा भाई तत्पर रहता है, अपनी कथाएं टाल देता है और कहता है भाई साहब आपकी कथा में आऊंगा, मेरी कथा जयमान से कह दो पीछे कर ले, मेरे कौन से भागे जा रहे हैं। तो तार शब्द कहेंगे आपको, एक तो मैं निवेदन करूंगा कि जब तक आरती शुरू ना हो तब तक भोजनालय में कोई ना जाए। दूसरी बात, भोजन की व्यवस्था आज बड़ी कर दी है, स्त्रियों की अलग पुरुषों की अलग, क्योंकि कई पुरुष ऐसे होते हैं जो ये सोच करके कि यहाँ स्त्रियां ज्यादा हैं इसलिए जाते नहीं है, इसलिए उनके लिए अलग से प्रबंध किया है। और हमारे प्यारे भाई छोटे भाई विष्णु आज जी महाराज अपनी बाणी से आपको कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुनिए। बोली वाक्य में हरिलाल की, सबको देव भगवान की, आज की आनंद की, फरीदकोट वासियों की। देखो बहुत सुंदर आयोजन चल रहा है और कभी कभी सौभाग्य से कथा सुनने को मिलती है। सब लोग जानते हैं कि इस जीवन में कथा सुनने को मिल जाए ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ये तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती और फिर हमको मिल रही है, तो ये हमारा सौभाग्य है। तो इस कथा में हम सबका बहुत सहयोग है, किसी का तन से, किसी का मन से और किसी का धन से। इस संसार में, इस धराधाम पर दो गंगाएं हुई हैं, एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करना है तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, और भागवती गंगा में स्नान करना है तो आपको पांडाल में आना पड़ेगा।
लेकिन इस गंगा में और उस गंगा में एक फर्क है। अगर भागीरथी गंगा में स्नान करोगे तो तन शुद्ध होगा और भागवती गंगा में स्नान करोगे तो मन शुद्ध होगा। भागीरथी गंगा और भागवती गंगा, इन दोनों को लाने के लिए भी एक भागीरथ की आवश्यकता होती है। भागीरथी गंगा को भागीरथ जी लेकर के आए थे और भागवती गंगा को आपके मध्य में हमारे मुख्य परीक्षक श्रीमान सुरेंद्र कुमार मसौन जी और नीलम मसौन जी, ये मुख्य परीक्षक हैं, इनके लिए प्रतियोगिता की होगी। और फरीदकोट के जाने माने सुनार भी हैं, एस के ज्वेलर्स प्रसिद्ध है, सोने का बहुत बड़ा काम है बाबूजी का। हम तो ये कहते हैं और तरक्की करें, बढ़ते हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा से हमको सौभाग्य मिला मुख्य परीक्षक बनने का, भागवत जी को सर पे रखने का। जीवन में ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, भागवत जी को अपने सर पे विराजमान करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है और बाबू जी को मिला है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस कथा में सहयोग तो सभी का है, लेकिन जो रोजाना पूजा में बैठ रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। रोजाना यहाँ पूजा चल रही है, 7 लोग 8 लोग अपने परिवार से आकर के पूजा कराती हैं। आप लोगों को रोजाना बताया जाता है, आज भी 6-7 लोगों का नाम है जो कल आएंगे पूजा के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो तभी पूजन करा सके, पैसा नहीं हो तभी पूजन करा सकते हैं। आप कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम दो यम योगी भक्त्या प्रेक्षसी, कुछ भी हो लेकिन आप लोग पूजन में एक दिन जरूर बैठा। अगर पूजन में समय नहीं मिल पा रहा है आपको तो जितना हो सके इस कथा में सहयोग कर लें। तन से कर सकते हैं आप लोग, तन से सेवा कैसे कर सकते हैं, जैसे जो लोग बाहर से आते हैं पहले उनको भोजन करने होते, आप लोगों को भोजन की व्यवस्था तो देखो ऐसा हो सकता है आपके यहाँ ऐसा होता हो, लेकिन हम लोग ब्रजवासी या वृंदावन से आए तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप लोग ऐसे टूट पड़ते हो भोजन पे जैसे जीवन में पहली बार कर रहे हैं, और ये लोग बाहर जाके वृंदावन कहेंगे फरीदकोट में ऐसा होता है तो बदनामी होगी और हमको बहुत दुख होगा, है ना, क्योंकि आप सब लोग घर के व्यक्ति हैं। आराम आराम से भोजन करेंगे और भोजन प्रारंभ तब होगा जब आरती हो जाए। पहले जो हम लोग बाहर से आए हैं उनको भोजन कर दे दिया था, आप तो यहीं से करो उनसे घर पहुंचाए तो सुन। तन से सेवा कर सकते हैं, मन से, मन की सेवा यह है कि पूरे फरीदकोट में सब लोगों से वो कथा चल रही है, 3 दिन की कथा रह गई है भैया, मन से प्रचार करें। और धन का सहयोग जितना हो सके, जिसके पास जैसी परमात्मा ने सामर्थ्य दी, कई लोगों का सहयोग आ भी गया है, कई लोग 1-2 दिन में करेंगे, कोई गुप्त दान कर रहा है जिसका जैसा सामर्थ्य, हमारे पास लिस्ट नहीं है कोई कई नाम ले तो ऐसा नहीं है, लेकिन सहयोग आ भी रहा है और जो लोग नहीं कर पाए वो भी करें, क्योंकि प्यारे अपने धन के खजाने से 1 रुपया भी इस यज्ञ में लग जाए ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि भागवत कथाओं में पैसा उसी का लगता है जिसका पैसा मेहनत का होता है, पुण्य का होता है। तो इस कथा में जो लोग भंडारा कर रहे हैं उनके लिए विद्यासूत की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है, सब लोग करें बढ़ चढ़ करके इस कथा में दान करें। और कल यहाँ 56 भोग लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, 56 भोग। तो 56 भोग की व्यवस्था ये है कि कई लोग तो कह रहे थे बोले महाराज हम अकेले ही लगा देते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आप सब लोग अपने अपने घर से अगर लेकर के आए तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके घर का अन्न भी और भोग लग सकता है, भगवान को प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग अपने अपने घर से 1 सामग्री 2 सामग्री लेकर के आ सकते हैं, अपने अपने घर से 1-1, 2-2 सामग्री लेकर के आए, है ना, खुरचन है, खीर मोहन है, खिरसा और खुरमी, खीर खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मठरी, पेड़ा, रसगुल्ला, रसमलाई, पापड़, पकौड़ी, कचौड़ी, पनीर के पकौड़े, जो भी आप लोग लाना चाहते हैं ला सकते हैं, है ना, सबका यहाँ भोग लगेगा। सब लोग अपने अपने घर से कोई पंचमी बा भी ला सकता है जैसा जिसका सामर्थ्य है, छप्पर भोग लेकर के आएंगे। परसों यहाँ विशेष फूलों की होली है, रुक्मणी विवाह है, यहाँ शायद पहले हुई हो कि नहीं हुई हो ये पता नहीं, लेकिन परसों यहाँ फूलों की होली होगी, बहुत बड़ा भव्य आयोजन है, आप सब लोग यहाँ फूलों की होली में जरूर सम्मिलित हो। जो लोग फूल का सेवन करना चाहते हैं उसका
भैया आपके पास माइक पहुंच गए, पहले हमारी सुन लो, शांति बना के रखो। हाँ, यहाँ परसों फूलों की होली है, जो लोग फूल का सहयोग करना चाहते हैं, दो क्विंटल फूल आएंगे, यहाँ कितने फूल आएंगे? अभी अभी रुको भैया, जाकी का भी समय नहीं, दो मिनट रुको, बुलाएंगे अभी, है ना। तो यहाँ फूलों की होली होगी, जो लोग फूल का सहयोग करना चाहते हैं वो फूलों का सहयोग कर सकते हैं, दो क्विंटल फूल की व्यवस्था करनी है। कोई फूल का सहयोग करना चाहता हो तो वसुदेव देवकी को कंस ने अपने कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी अपने नियमानुसार लेकर के गए, कंस ने ये कहकर के बोड़ दिया कि मेरा काल तो आठवां बच्चा है, पहला नहीं। लेकिन नारद जी ने मति ऐसी भ्रमित की तो उसने उस बालक को मार दिया। फिर दूसरा भी, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां बालक भी मार दिया। सातवां बालक जब घरों में आया तो भगवान ने युग माया से कहा, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिगंत्रता रोहिणी वसुदेवस्य वार्याते नंद गोकुले। हे देवी, आप ब्रज में जाइए, जो गोप और गोवंश सर्वसेवित है वहां पर जाकर के वसुदेव और देवकी के गर्भ में जो छठवां बालक है उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और आप जाकर के मैया यशोदा के घर में आओ, जन्म लो, प्रकट हो, और मैं आठवां बालक बन करके देवकी के जठर से उत्पन्न होने वाला हूं। इसलिए योग माया ने आकर के छठवां बच्चा कर्षण, सातवां बच्चा कर्षण करके, इसलिए उनका नाम आगे चल के संकर्षण हुआ, खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए बलराम जी महाराज, शेष अवतार थे। आप जाकर के वहां प्रकट हुई और भगवान इधर देवकी के आठवें पुत्र के रूप में गर्भ में आए। देवता लोग बहुत सुंदर स्तुतियां गाई, मैं एक ही श्लोक गाऊंगा, स्तुतियां तो बहुत है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नियचं ससत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं पाम शरणं प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप परमेश्वर, जो तीनों कालों में सत्य है, सदा सत्य है, ऐसे परमेश्वर भगवान हम तुम्हारी शरण में है। भिन्न भिन्न स्तुति करके सब देवता अपने अपने लोगों के लिए चले गए। वो समय आया, यन्य सर्वगणो पेतम काला परम शोभनम, भादों का महीना, अष्टमी रात्रि का समय, परमात्मा ने योग नगत के बाहर सकल भये अनुकूल, सब समय अनुकूल हो गया, अपने अपने स्थान पर सभी ग्रह उच्च के होकर के स्थापित हो गए। उसी समय अद्भुत बालक प्रकट हुए, तम अद्भुतम बालकम विक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधारधनम श्रीवत्स चंगल शोभितस्तरम पीताकरम सर्वयोग शोभनम। जिनके गले में श्रीवत्स माला पड़ी है, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्हें देख करके मैया कहने लगी, बाप बन के आए हो या बेटा बन के आए हो? भगवान ने कहा, क्यों? मैं दिखाने आया हूं कि तुमने कहा था परमात्मा मेरे घर में आए, क्योंकि पहले जन्म में आप ने वरदान मांगा था तपस्या करके, उसको मैं साक्षात करने के लिए आया हूं। तुम्हारे मन में ये भी ना हो कि ये भगवान नहीं, और तुम्हारे मन में ये भी ना हो कि ये बालक है, इसलिए मैं परम अद्भुत रूप लेकर के यहां पर आया हूं। हे मेरे माता पिता रूप, मेरे अंदर आपका पुत्र भाव भी हो और ब्रह्म भाव भी हो, दोनों भाव होने चाहिए। युष्मा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाकृतम, पुत्र भाव भी और ब्रह्म भाव भी, एक भाव हो तो बात नहीं बनती, दोनों भाव होने चाहिए मेरे में। ऐसे कहकर के भगवान ने छोटा रूप धारण किया और बताया कंस के भाई से, आप मुझे लेकर के नंद बाबा के यहां छोड़ आओ,
वहाँ एक देवी ने जन्म लिया है, उस देवी को यहाँ लिया, वो मेरी योग माया है। कंस के भय से भगवान को लेकर के वसुदेव जी जमुना जी को पार करते हुए गोकुल में जाकर के छोड़ के आए और वहां पर बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। वाणी को यही विराम देते हैं और आनंद उत्सव की तैयारी करते हैं। बोलवा की बिहारी जय हो। नंद के नाना की जय हो। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम हर स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सर स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सो स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा। सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठ जाए, आराम आराम से पूजन करें, लेकिन सभी नहीं जिन्हें पीछे भक्तगण है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए, शांति पूर्वक आराम करें। स्वागतम सुस्वागतम सर स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम सर स्वागतम कृष्णा, 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 स्वागतम कृष्णा। विवाह के हरिदारी की जय। सभी बैठ जाइए, सबके पास आएंगे भगवान और वहीं पर चरण वंदन करें और रघु नाम है अभी जो है नंदोत्सव मनाया जाएगा। थोड़ा सा शिव मंदिर मोहल्ला सेठिया महिला मंडल की तरफ से बधाई आई है, बहुत बहुत बधाइयां इन बहनों को जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करी, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारक इन महिला मंडल फरीदकोट सिमंदर मोहल्ला सेठिया जो मेरे हर कार्य में मैं इनकी बड़ाई बहुत ज्यादा करूं तो भूल जाएंगी, इसलिए मोटी नहीं करना है इनको, और इतना ही कह सकता हूं कि इनके सहसा सभी मंदिरों में ऐसी महिला मंडली हो तो पंडितों की बोलो फिर पंडितों की ऐसी मंडली सबकी हो तो पंडितों की वाके बिहारी लाल की परीक्षित जी महाराज आकर के मंच पे आकर के महाराज जी को बधाई दे रहे हैं। परीक्षित जी आ जाए मंच पर, दोनों को बहुत बहुत बधाइयां, बागवान सन सभी परिवार को पूरे परिवार को बधाइयां, बबलू जी सीमा जी जो भी आए हैं। हरी जी महाराज आकर महाराष्ट्र को बधाई देंगे, सभी ब्राह्मणों को ब्रजवासियों को भी बधाई देंगे और यहाँ पर बधाई एक एक करके लुटाई भी जाएंगी। सभी भक्तगण भजनों का आनंद लें और नृत्य करते हुए भगवान के जन्मोत्सव का आनंद उत्सव मनाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की।
हो तेरी मैया बता जी तेरी मैया तेरी मैया बता जी तेरी कितनी खुश में आए बोलाल बता जी तेरी मैया I'm not afraid to die.
Thank you.